पूरा काम कर लिया था जो सुबह पे रहता है करने वाला, और जो भी था साफ सफाई, नाश्ता, और मैकेंजल का लंच बॉक्स भी चला गया है, गुल्ली ने भी खा लिया है, मैंने भी खा लिया है। तो मुझे थोड़ा सा होना था तैयार। तो मैंने सोचा तैयार होने से पहले अच्छे से, और मैं मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग करना है और वो मैं कर लूं, उसके बाद मैं तैयार होऊंगी अच्छे से और मुझे जाना है बाहर। तो क्लीन तो हो चुकी थी मेरी किचन, और ये अमन रह गया था बैक साइड में, इसके ना थोड़ा सा डस्ट जमा हुआ है, जैसे ये पहले भी ऐसे ही पड़ा रहता था इधर। तो क्या था कि मैं सामने से साफ कर लेती, कभी पीछे इसके मैंने ध्यान दिया ही नहीं। तो उस दिन जब मैंने उठाया था और ये नई वाली स्लैब बनवाई इसके लिए, तब मुझे मालूम पड़ा कि इसके पीछे भी बहुत सारी गंदगी जमी हुई है, तो उसे साफ करना है। और मेरी चिमनी है ना, जो चिमनी के अंदर जो प्लेट लगाते हैं ना, वो तो बहुत अच्छी तरह से साफ करती हूँ मैं 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, नहीं तो हफ्ते बाद, 5 दिन बाद मैं पक्का करती हूँ। और जो ऊपर इसके चिमनी के ना, मैं आपको दिखाती, यहाँ पे चिमनी के ऊपर लगा हुआ है कवर जो ऐसे अब उखड़ रहा है, पहले अच्छा खासा चिपका हुआ था। तो मैंने ना ऐसे सडनली से ऐसे देखा कवर को निकाल के, और कवर के नीचे आयल अच्छा खासा लगा हुआ चिपचिप कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ये क्यों पीछे रह जाए, इसे भी साफ करना बनता है। और इसके ऊपर जो कवर लगा है ना, ये वाला पूरा उतार के और मैं इसे अच्छे से साफ कर लूंगी। ऐसे ये देखिए कितनी अच्छी है, ये तो मैं 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद ऐसे साफ करती रहती हूँ, और बिल्कुल भी आयल वायल नहीं रहने देती, क्योंकि 4-5 दिन के बाद इसे साफ कर रहे हो तो इसके ऊपर आयल नहीं आता है। और देखिए अच्छी खासी है, और मैंने इसके ऊपर कभी ऐसे देखा ही नहीं है, कि मैं तो सोच रही थी कि इसके ऊपर कवर है और कहीं आयल होगा ही नहीं, मगर कवर को मैंने ऐसे जब किया ना तो नीचे आयल था। तो आज कवर निकाल के उसे भी साफ करूंगी, और वो भी जो क्लीनिंग होगी कवर निकल जाएगा, तो वो स्टील की है ऊपर से, ये भी मेरे डेली रूटीन में क्लीनिंग इसका हो जाया करेगा, तो ज्यादा बड़ा झंझट नहीं होगा। तो ये तो देखिए इतनी अच्छी साफ है, इसका कोई भी सफाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे मैं हमेशा 5 दिन के बाद साफ करना ही करना है, गर्म पानी सोडा के साथ करती हूँ। तो पहले मैं अमन को और चिमनी को साफ कर लूं, फिर उसके बाद आपको मिलती। अब अमन को और चिमनी को दोनों को साफ कर दूंगी ना, तो फिर मेरी कंप्लीट किचन एकदम चमचम आ जाएगी, और फिर थोड़ा सा और काम रह जाएगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये वाली जो मैंने स्लैब लगवाई है ना अपने लिए, ये तो सामान रखने के लिए, सुबह सुबह जो मैं खाना बनाती हूँ, आपको मालूम है किचन की स्लैब बहुत छोटी है, तो बना के यहाँ रख लिया करूंगी, और उसके बाद सफाई करके फिर से वहां से टका लूंगी, तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगी। और ये तो अमन के लिए ही है, तो इनको पेंट भी करना है, और पेंट की शॉप मुझे अभी मालूम नहीं है कहाँ पे है ये एरिया में, उसे ढूंढूंगी और फिर मैं व्हाइट कलर का लेके इन दोनों को कर दूंगी, तो हो जाएगी कंप्लीट किचन साफ सुथरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और गुरलीन की हेल्प लेनी पड़ेगी, अमन बहुत भारी भरकम है, इसे उतारना पड़ेगा। गुरलीन यहाँ देखिए कितना साफ है, एकदम साफ है, और पीछे से है थोड़ा गंदा, पीछे से इतना ज्यादा गंदा नहीं है, मगर ये वाला ऐसे चमकना चाहिए, जैसे शाइन करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा, ऐसे धूल मिट्टी बहुत सारी चिपकी पड़ी है इसके साथ, तो इसे मैं अच्छे से चमका लूं और उसके बाद चिमनी करेंगे। इससे मैं कोई भी ऐसे मार्केट का लिक्विड नहीं लाऊंगी, विम लूंगी, और जो ये बर्तन साफ करने वाला जूना है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा लगाऊंगी, पानी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पानी टपकने लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट मार रही हूँ।
और मैं क्यों रगड़ रही हूँ चाकू के साथ, जो स्टिकर लगा था ना उसके स्टिकर तो निकल चुका है और स्टिकर की जो गम है ना वो चिपकी हुई है इसके साथ, इसलिए मैं चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं डाला था, थोड़ा सा ऐसे पानी के अंदर डिप करके मैंने छोड़ दिया था पानी। और इस पानी क्यों नहीं ज्यादा मैं लगा रही हूँ, क्योंकि पीछे इसके होल है ना तो पानी अंदर चला जाएगा, कहीं ऐसे छाटना आना शुरू हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि सुबह तूने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाया, ये जूने को मैंने अच्छे से पानी में डिप करके निचोड़ लिया था और उसके ऊपर मैंने विम लगाया था, और जितना सफाई के लिए पानी चाहिए था उसके अंदर था, तो उसी से ही अच्छे से साफ हो गया है। और इसके अंदर जो होल बने हैं ना, मैं ज्यादा पानी लगाती कहीं ड्रॉप चले जाते तो क्या रहता कि ये शॉर्ट आना शुरू हो जाता, तो वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है इसे तो मैं लगाऊंगी भी नहीं। तो आप भी साफ करने के टाइम इसका ये ध्यान रखिए कि इसे पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये वाला सूखा टॉवल था जो मेरा सफाई का, उसे ही मैंने गीला करके निचोड़ लिया है, उसी के साथ मैं फिर से इसे पोंछ दूंगी और अच्छा खासा क्लीन हो जाएगा। और देखिए बहुत अच्छा साफ हो चुका है। जैसे मैंने बाहर साफ किया ऐसे ही मैंने थोड़ा सा विम डाल के इसे तो फिर से मैं अंदर मार दूंगी। इसके अंदर इतनी अच्छी स्टील लगी रहती ना, अच्छी क्वालिटी की कंपनी की जो भी है, और उसे थोड़ा सा ही हम अच्छे से साफ करते हैं तो वो एकदम शाइन करना स्टार्ट कर देती है। तो इसे थोड़ी सी केयर चाहिए और उसके बाद ये अपना रंग दिखाएगी ऐसे चमक के। मैंने कभी लाइट ऐसे बाहर नहीं निकाली है उसके अंदर से, और लाइट थोड़ी खराब हो चुकी है, कभी कभी ऑन होती है कभी नहीं, तो मैंने सोचा इसे भी आज चेक करती हूँ क्या हुआ है। तो जो लाइट का ढक्कन है उसके अंदर भी अच्छी खासी चिकनाई ऐसे जम जम चुकी है ऑयल, इसे भी आज साफ कर दूंगी तो उसके अंदर जो लाइट लगी है उसे भी चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए ये दोनों लाइट कैसे चिपकी पड़ी है ऑयल से, और ये निकालेंगे एक बार इधर लेवल, और ये दोनों सेम ऐसे ले जाऊंगी और ले आएंगे ऐसे सेम। और यहाँ पे मैंने जो गरम पानी किया है ना, गरम पानी के अंदर थोड़ा सा मैंने वो डाला है विम डाला है, और उसे मैं अभी ऐसे निचोड़ के ना और गरम गरम के जूने के साथ मैं अच्छे से आयल के ऊपर मारूंगी तो अच्छा वाला शाइन कर जाएगा। चिमनी और ओवन साफ हो चुके थे और एकदम चमचमा गए थे, और चिमनी के दो लाइट लेके आना है वो लगाना है ऐसे, उसके एक ही लाइट चल रही थी पहले से ही, और अब मैं देख लिया है कि हाँ उसकी लाइट नहीं है, दोनों एक लाइट खराब हो गई थी, एक थोड़ी लूज थी वो भी नहीं चल रही थी, तो अब दोनों लाइट ले जाऊंगी ऐसे और दुकान से सेम लेके आऊंगी। मैंने आज काम किया है ना बहुत भारी भरकम रहता है ऐसे, मुझे इसकी टेक्निक बहुत आती है कि इसे मैं कोई थोड़े लोग बहुत सारे लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं ऐसे ही सोच लेती हूँ कि हाँ ये वाला काम ऐसे हो जाएगा, तो सच मानो कि जैसे मैं सोचती हूँ वैसे हो जाता है। जैसे मैं कि हाँ थोड़ा गर्म पानी लेके इतना ऑयल साफ नहीं होता, मगर वो मेरा टेक्निक काम कर जाता है, तो मैं थोड़ा सा कष्ट ज्यादा लगता है। शायद हम बाहर से बाजार से ले लूं मैं सामान तो उससे क्या है कष्ट कम करना पड़े, और फिर मैं सोचती हूँ जितना जो काम ऐसे फ्री में हो रहा है घर से ही मैं कर सकती हूँ मैं उतना ही करूँ,
तो चिमनी एकदम चमक चुकी थी और अवन भी साफ हो चुका था। अवन का बैक साइड ही था, मगर आज मैंने अंदर से और ज्यादा चमका दिया है। तो जब मैं काम कर रही थी ना, तो मेरे शोल्डर पे प्रेशर ज्यादा जा रहा था, तो मुझे सर्वाइकल है पेन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है और थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मगर जब चिमनी ओवन देख रही हूँ कि इतने साफ सुथरे हो गए हैं, तब मुझे पेन ऐसे याद नहीं आ रहा कि मुझे पेन भी हो रहा है। तो फिर मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाय बाय।